श्री शिवाय नमस्तु। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हां। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता रगी हो, मन विचलितता में, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना। आप रोज प्रतिदिन यहाँ जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता महादेव को, अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर रखना। ए स्कंद देव, ए कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में, उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानन कार्तिके भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिके, इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को भी